जनपद में राप्ती व घाघरा नदी का पानी तेजी से कम हो रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती व घाघरा नदी का जलस्तर कम हो रहा है और जिन गांवों में अभी पानी है 3 दिनों के अंदर वहां से पानी घट जाएगा और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो नदियां खतरे के निशान पर हैं वह दिवाली तक खतरे के निशान से नीचे आ जाएंगी और गांव से पानी निकल जाएगा, तब लेखपालों द्वारा फसलों की क्षति का आकलन किया जाएगा और सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा तहसील सहजनवा कैंपियरगंज में राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है और जहां कहीं भी राहत सामग्री का वितरण बचा है वहां पर एसडीएम के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बाढ़ बड़हलगंज तहसील में है, वहां पर लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों ही नदियाँ अब उतार पर हैं और मेरा अनुमान है कि जो गांव अभी भी मैरूंड हैं, अर्थात जिन गांवों के संपर्क मार्गों पर पानी आ गया है, वो अगले 2 से 3 दिन में मैरूंड की श्रेणी में नहीं रहेंगे, अर्थात वहाँ आने जाने का मार्ग से पानी हट जाएगा। और मेरा अनुमान है कि दीपावली तक आते आते नदियाँ जो अभी कहीं कहीं डेंजर लेवल पे हैं भी, वो काफ़ी नीचे पहुँच जाएंगी। गाँव से पानी काफ़ी कुछ बाहर निकलने की स्थिति में होगा और उसी समय से हम लोग जो फसलें हैं जिनकी क्षति हुई है, लेखपाल उनका सर्वे करेंगे और जिन जिन प्लॉटों में क्षति हुई होगी उनको मुआवजा दिलवाएंगे। सर, राहत सामग्री, राहत सामग्री ऑलमोस्ट कैंपियरगंज, चौरी चौरा, सहजनवा, कई तहसीलों में जितना वितरण होना था लगभग पूर्ण हो गया है। कहीं छुटपुट अगर बाकी होगा तो उसको एसडीएम साहबान वितरित कराएंगे। जो सबसे बड़ा एरिया जो हमारा पानी से प्रभावित था, बाढ़ से प्रभावित था, वो बड़हलगंज है। बड़हलगंज में अभी भी 2 से 4 दिन का समय लगेगा कि हम वितरण का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर पाएंगे।